नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। सप्तरी के कंचन रूप में दुट्टा जीप ठकराल, तीन गोटे के मृत्यु। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान सब द्वारा जन आंदोलन जारी, मांग पूरा नहीं हो बदेर, धरना जारी रखबाक चेतावनी। प्रचंड नेतृत्वक सरकार के कोनो खतरा नहीं रहल, कांग्रेसक नेता निधि के कथन। नेपाल प्रेस यूनियन के मधेश प्रदेश पदाधिकारी पदस्थापन। अपना सब सरकार से बाहर नहीं जेबाक, जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राउत के कथन। आ व्यवसायी दुर्गा प्रसाद द्वारा राज्य संस्था पुनर्स्थापना करवा कहित आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा। आप समाचार विस्तार से। सप्तरी के कंचन रूप नगर पालिका में मंगल दिन भिनसर भेल दुर्घटना में फिर तीन गोटे के मृत्यु भेल। कंचन रूप वार्ड नंबर 9 विष्णु मंदिर समीप पूर्व पश्चिम राजमार्ग में पूर्व से पश्चिम जा रहल घोड़ा बोकने प्रदेश 202001/0746 नंबर के पिकअप आ पश्चिम से पूर्व दिश जा रहल 218/6617 नंबर के स्कॉर्पियो गाड़ी ठोकरेला से हुनका सबके मृत्यु भेल। सप्तरी प्रहरी के अनुसार स्कॉर्पियो में सवार सुनसरी के धोबी नगर पालिका वार्ड नंबर 3 के संजय चौधरी, राजकुमारी चौधरी आ हरेराम शाह के घटनास्थल में मृत्यु भेल। बोलेरो पिकअप में रहल दूटा घोड़ा मध्य एक के सड़क में तत्काल मृत्यु भेल। दुनू सवारी में सवार 12 गोटे घायल भेल। हुनका सबके इलाज के लेल विराटनगर पठाओल गेल। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान जनाबाज आंदोलन जारी रखने है। अभियान मंगल दिन सेहो जनकपुर धाम के जनक चौक में धरना दिलक है। अभियान 5 बुधा माघ राखि आंदोलन शुरू कयने है। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण लगायत और विविध विषय में भेल सहमति सब कार्यान्वयन नहीं भेल कहित ओ सब असंतुष्टि जनौने छथि। ओ सब धनुषा में हत्या कयल गेल दिलीप महतो के पर्यावरण सहित घोषणा कयल जेबाक चाही। अवैध क्रसर उद्योग सब ऊपर तत्काल रोक लगाओल जेबाक चाही। मधेश सरकार संग बीतल समय में भेल 7 बुदाक सहमति कार्यान्वयन कयल जेबाक चाही आ भूमिहीन तथा सुकुम्बासी के जमीन उपलब्ध कराओल जेबाक चाही मांग कयलक अछि। तहिना सुरक्षित तथा योग्यता अनुसार सुनिश्चित रोजगारी के व्यवस्था मिलाओल जेबाक चाही। स्थानीय तह के निर्वाचन निर्दलीय कयल जेबाक चाही सेहो ओ सब मांग कयलक अछि। संघ सरकार ने पनि यो मुद्दा कमती में वहाँ को सरकार को प्रदेश का समस्या वहाँ को प्रदेश भित्र यो आंदोलन चलि रहेको हिसाबले वहाँले पनि पहल गर्दिन्छ भने आश बोकेका, तर प्रदेश सरकार पनि मौन बस्या छ। यो जनकपुर उपमहानगरपालिका पनि मौन बस्या छ। यो आंदोलन भनेको तपाईको मात्र अरू जिल्लाको लागि हैन, यो जनकपुर उपमहानगरपालिका पनि तपाईको हजारौं व्यक्ति भूमिहीन छ। यो उपमहानगरपालिकाको 82,000 व्यक्ति भूमिहीन छ। यो महानगरपालिका भित्र रहेका जनताका अधिकारको कुरा पनि हो, एउटा यो जिल्ला ऊ जिल्लाको हैन, तर यहाँ भेदभाव हुँदैछ। अहिबीच अभियान के आंदोलन में राष्ट्रीय एकता अभियान सेहो एकबद्धता जनौलक अछि। अभियान के अध्यक्ष विनय यादव चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के आंदोलन में एकबद्धता रहल धारणा रखलनि। मांग प्रति संघ प्रदेश आ स्थानीय तथा संबंधित निकाय उदासीन रहला से अनिश्चितकालीन धरना देबाक अभियानी सब जनौलक अछि। माग पूरा नहीं होब धरि धरना जारी रहबाक सेहो अभियान के अध्यक्ष सुनील यादव चेतावनी दिलनि। नेपाली कांग्रेसक नेता विमलेन्द्र निधि, वर्तमान पुष्पकमल दहाल प्रचंड नेतृत्वक सरकार के कोनो खतरा नहीं रहल स्पष्ट कयलनि अछि। जनकपुर धाम में आयोजित नेपाल प्रेस यूनियन मधेश प्रदेश समिति के पदाधिकारी तथा सदस्य सबक पदस्थापन समारोह के संबोधन करैत पूर्व उपसभापति समेत रहल नेता निधि प्रधानमंत्री प्रचंड कोनो समय 8 दलक समर्थन प्राप्त केने कहित विश्वास के मत ले सकबाक स्थिति रहल आ सफल होबाक बतौलनि। नेपाल माओवादी केन्द्र सहित को 5 दलीय गठबंधन संग चुनावी तालमेल भएर निर्वाचन संपन्न भयो। निर्वाचन को परिणाम आयो जस्तो आयो आयो, तर नेपाली कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी को रूप में हामी स्थापित भयो निर्वाचनबाट। त्यसपछि सरकार निर्माण को सन्दर्भमा दुवै चुनावी तालमेल को बेला भयो। गठबन्धन ले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन, जसको परिणाम स्वरूप त्यो कारणले देशभरि नै खास गरेर लोकतान्त्रिक समाजमा लोकतन्त्रवादी जमातमा धेरै ठुलो निराशा भएको छ।
आम निर्वाचन में जनता देने जनादेश आ चुनाव के बाद सरकार बनाब बनल गठबंधन में तालमेल नहीं मिलला से गठबंधन टिक नहीं सकल ओ स्पष्ट कलने जनादेश आ चुनावी गठबंधन एकटा आ सरकार दोसर बनला से लोकतांत्रिक जमात असंतुष्ट बनला से फिर से आब सुखद वातावरण बन रहा हुना कहा छे सरकार को नेतृत्व तो प्रधानमंत्री ले पुष्पकमल दाल प्रचंड पुष्पकमल दाल प्रचंड प्रधानमंत्री हो कसले फिर्ता लिदैमा अहिले जति दुई तीन दिनाले फिर्ता लिएको छ एमाले राप्रपाले वहाँहरूले फिर्ता लिदैमा वहाँहरूको ढोक्सामा मासा पर्नेवाला छैन। नेपाली कांग्रेस वर्तमान प्रधानमंत्री प्रचंड के विश्वास के मत दक कोर्स करेक्शन कला के बाद राजनीति आ उपलब्धि सब सुरक्षित हेबाक उद्देश्य से राजनीतिक धार आगा बढ़ल निधि बतौलन। नेकपा माओवादी केन्द्र को अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री बनने भएको थियो उहाँले नेपाली कांग्रेस ने विश्वास को मत को बेला विश्वास को मत दियो त्यो बिंदु देखि कोर्स करेक्शन प्रारंभ भएको छ र त्यो कोर्स करेक्शन ले परिणाममूलक दिशा में नेपाल को राजनीति अगाड़ी बढ़ाई रहेको छ त्यो म तपाईहरुलाई बरु हर्ष को साथ निवेदन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम में यूनियन के प्रादेशिक कार्य समितिक पदाधिकारी सब आ सदस्य सब के प्रमाण पत्र वितरण करित पदस्थापन कैल गेल तेना प्रेस यूनियन में लंबा समय धरि योगदान देवला सब के दीर्घ सेवा सम्मान से समेत सम्मानित कैल गेल। नेपाल प्रेस यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष शिव लमसाल तीनों तह के सरकार बना रहल संचार नीति सब में रहल प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के कुंठित हो वाला किस्म के बुदा सब संशोधन नहीं हैत त अपने नेता सब विरुद्ध सड़क आंदोलन धेर कर बाध्य होबाक चेतावनी देने जनकपुरधाम में नेपाल प्रेस यूनियन के आतिथ्यता जनकपुरधाम में नेपाल प्रेस यूनियन धनुषा के आतिथ्यता में भेल नेपाल प्रेस यूनियन मधेश प्रदेश कार्य समिति के पदस्थापन तथा पूर्ण बैठक कार्यक्रम के संबोधन करित अध्यक्ष लमसाल तीनों तरह के सरकार बनाब रहल संचार नीति के ड्राफ्ट सब अपना सबके उपलब्ध भ चुकल कहित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के कुंठित होब किस्म के बुदा सब के साथे प्रेस विरुद्ध के कोनो समेत नीति नियम सहन कर नहीं सकबाक बतौलन। विभिन्न ठाउँमा हामीले गुनासाहरु छन् हामीले ती गुनासाहरुलाई सम्बन्धित ठाउँमै सम्बोधन गर्नका निम्ति आग्रह गर्दै जानेछौँ र आग्रह गर्ने नै छौँ तर म यति भन्न चाहन्छु यति बेला मुलुकमा तीनैवटा सरकारले संचार नीति बनाउँदै हुनुहुन्छ संचार नीति बन्दैछ र तपाईँहरूका संचार नीतिका ड्राफ्टहरू हाम्रो हातमा परिसकेका छन् तपाईँहरूका संचार नीतिका कागजहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ तपाईँहरूको नियत संचार प्रतिष्ठानलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई कुण्ठित गर्ने गरी नियन्त्रण गर्ने गरी र कहीँ कतै तपाईँको आफ्नो मनोबोली चलाउने तरिकाले राखिएका मुद्दाहरू संशोधन भएनन् भने कार्यक्रम में जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रमुख मनोज कुमार शाह योग्य व्यक्ति सबके आगमन से संगठन और मजबूत होबाक बेला से सबके उके मिलकर काम कर आग्रह कलन लोकतंत्र में यूनियन के समेत ओतबे महत्वपूर्ण योगदान रहल हुनक धारणा छलन। जे डेमोक्रेसी पर खतरा आए संपूर्ण देश में जे कम्युनिज्म के हबी छलिए आ सारा कम्युनिस्ट के यूनाइट करे के बात छलिए तहु हालत में प्रेस यूनियन अपन कलम चला के डेमोक्रेसी के रक्षा करे में प्रजातंत्र के रक्षा करे में जे अपन अभिव्यक्ति जे अपन पत्रकारिता धर्म निर्वाह कलिए तक के लिए संपूर्ण केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश लगाए संपूर्ण प्रदेश पालिका स्तर पर या जिला स्तर पर संपूर्ण साथी में हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करे छ। कार्यक्रम में प्रेस यूनियन में लंबा समय धरि योगदान पहुँचाने कहित वरिष्ठ पत्रकार राम भरत शाह शैलेन्द्र झा गणेश देव दीपेंद्र चौहान शिवपुरी धीरेन्द्र प्रसाद शाह कन्हैया लाल केसरी कृष्ण चंद्र मिश्र लगायत दर्जनों वरिष्ठ पत्रकार सबके दीर्घ सेवा सम्मान से सम्मानित कैल गेल छल। साथ ही यूनियन में प्रवेश केने पत्रकार सबके समेत समारोह में प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसक पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि आ नेपाल प्रेस यूनियन के केन्द्रीय अध्यक्ष शिव लमसाल स्वागत केने छलन। किस दिन पूर्व परसा के बीरगंज में भेल अधिवेशन से सत्य प्रकाश श्रेष्ठ के अध्यक्षता में उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रसाद शाह समावेशी उपाध्यक्ष सोम दियाली महिला उपाध्यक्ष रमिता नेपाल महासचिव अजय कुमार शाह सचिव संतोष पांडे पुस्तिका केसी मनोज कुमार माझी आ कोषाध्यक्ष उदय दास थारू रह जोकर
नेपाल प्रेस यूनियन के नया मधेश प्रदेश प्रादेशिक समिति गठन कयल गेल छल। जनमत पार्टी का अध्यक्ष डाक्टर चंद्रकांत राउत अपना सब सरकार से बाहर नहीं हेबाक बतौलने। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित विद्यार्थी संघ केन्द्रीय बैसार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करते अध्यक्ष राउत जनमत पार्टी सरकार से बाहर नहीं हेबाक बतौलन और पार्टी सब अपन मांग पूरा नहीं भेला से बाहर गेल कहतु जनमत पार्टी के लिए सरकार छोड़ल जेबाक कोनो परिस्थिति नहीं आयल बतौलन। को विभिन्न कारण होला तर जनमत पार्टी को लागि चाहिँ अहिले त्यस्तो कुनै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको छैन जसले गर्दाखेरि सरकार बाहिर आउनु परोस् भन्ने खालको परिस्थिति बनेको छ। सरकार बाहिरी नै कुनै परिस्थिति नै बनेको छ जनमत पार्टी। अरू पार्टीहरूलाई माग पुरा भएन, कसैको लागि चाहिँ राष्ट्रपति बनेन, कसैलाई कुनै मन्त्रालय भएन भनेर बाहिर हुने जनमत पार्टीको लागि त्यस्तो कुनै नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छैन। अध्यक्ष राउत राष्ट्रपति में अपना सब स्वच्छ छवि भेल आ दल विशेष के भूमिका नहीं खेला वाला लोग खोजने बतबैत आब वही बमोजिम के पात्र के रूप में रामचंद्र पौडेल के समर्थन केने बतौलन। जनमत पार्टी राष्ट्रपति आ सभामुख एकटा पार्टी के नहीं देबाक पक्ष में रहलो पर पौडेल के समर्थन केने ओ बतौलन। राष्ट्रपति आ सभामुख एकटा दल के भेला पर निरंकुशता जन्म लो सकबाक हुनक तर्क छलै। योभन्दा अगाडि पनि हामीले विगतमा भोग्यौँ देख्यौँ दुईटै सदनबाट पारित भइसकेको विधेयकलाई पनि राष्ट्रपतिज्यूले फिर्ता गर्नुभयो, अड्काइदिनु भएको छ र त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण विधेयक थियो। नागरिकता विधेयक मधेसी लगायत पहाडका पनि अनागरिकहरू नागरिकता लिन योग्य व्यक्तिहरूको मामलामा खास गरी जन्मसिद्धका सन्तानहरूको मामलामा धेरै नै संवेदनशील विधेयक थियो, त्यो अड्काएर राष्ट्रपतिज्यूले राखिदिनु भयो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो धारणा के छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिमा चाहिँ अलिकति स्वच्छ व्यक्ति हुनुपर्दछ, कुनै राजनीतिक दल विशेषको भूमिका नझल्किने खालको त्यस्तो पात्र नबन्ने खालको व्यक्ति हुनु। ऊ नागरिकता विधेयक राजबन्दी के रिहाई आ किसान आन्दोलन लगायतक अपन पार्टी उठाउने एजेन्डा सम्बोधन हेबाक अवस्था नै एलापर सरकारके केने समर्थन फिर्ता होबत सकबाक समेत बतौलनि। यद्यपि ई माग सब पूरा करबाक लेल सरकारके समय देल जेबाक हुनक कहब छलनि। नेपाली कंग्रेसक सांसद एवं नेत्री आरजू राणा देउवा नेपाली सेनाक डिजिटल अभिलेखमे छिद्र रहल खबर अपना पौने धारणा रखलेने छ। मंगल दिन ललितपुरमे नेपाल विद्यार्थी संघद्वारा आयोजित अल नेपाल ह्याकथन कार्यक्रमके सम्बोधन करैत ओ एहन बतौलने छ। ओ नेपालमे डिजिटल प्रणाली शुरुआत केलो पर एकर प्रयोग कर नेपाली सब पूर्ण सक्षम नै रहल धारणा रखने छलनि। ओ नेपाली सेनाक डेटा सब अपना टर्की पुगि रहल जानकारी पौने बतबैत साइबर सुरक्षामे नेपाल अपने प्राविधिक विकास करब आवश्यक रहल बतौने छलनि। सिन्स वी डोन्ट ह्याभ अब हामीले सुरु त गऱ्यौँ तर हाम्रो गभर्नेन्स अन साइबर स्पेस इज अल्सो ल्याक्स। मलाई एकजनाले देखायो, मान्छेको नाममा भन्दिनँ, हाम्रो आर्मीको सबै डेटा इज अन द डार्क वेब इन टर्की। जरसाबहरूको इमेल देखाइदियो मलाई, फलानु जरसाबले यस्तो इमेल फाइनल इज नट पर्सनल इमेल्स तर भोलि सिक्योरिटी सम्बन्धी इमेल केही सम्बन्धी इमेल हाम्रो इफ इट्स अभाइलेबल अन द डार्क वेब वाट इज द्याट सेफ फर आर कन्ट्री। सो योलाई साइबर सिक्योरिटीलाई पनि हामीले कसरी हेर्ने त। र अहिले रिसेन्टली नेपाललाई गभर्मेन्टकै वेबसाइट ह्याक पनि भयो। तेन नेपाल विद्यार्थी संघक सभापति दुजाङ शेर्पा नेवी संघके आपके एजेन्डा शैक्षिक सामाजिक युवा सबके उद्यमशील बनेबाक नेपालमे युवा सबके टिकेबाक आ जलवायु परिवर्तनके एजेन्डामे केन्द्रित रहल जेबाक चाहिँ बतौलन। हामीले कति बेर चाहिँ हामी अगाडि बढाएको थियौँ भने अब 95% अब नेपाल विद्यार्थी संघको एजेन्डा भनेको शैक्षिक एजेन्डा हुन्छ, सामाजिक एजेन्डाहरू हुन्छ र युवाहरूलाई कसरी उद्यमशील बनाउने। नेपाल क्याम्पसके विद्यार्थी अस्मित तिमिल सिन्हा नेवी संघ विद्यार्थी सभक प्रोग्रामिङ स्किलसँग नेपालमे भ रहल सामाजिक समस्याके समाधान गर अल नेपाल ह्याकथन कार्यक्रम आयोजन कयल गेल बतौले। कार्य समितिबाट आयोजित नेपाल विद्यार्थी सङ्घ कुलचोक इकाइको एसोसिएसनमा भएको अल नेपाल ह्याकथन भन्ने कार्यक्रम हो। हामीले अब ह्याकथन भन्ने बित्तिकै हामीले सामान्यतः हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ विशेष गरी यो प्रोग्रामिङ सम्बन्धी चाहिँ कार्यक्रम हो, प्रोग्रामिङ स्किल्स। हामीले नेपाल विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय कार्य समिति आयोजना गर्ने कार्यक्रममा विद्यार्थी सब अपन प्रोग्रामिङ स्किल्स समाजके समस्या सब समाधान गर्नको लक्ष्य सहित कार्यक्रम कयने छल बताओल गेल अछि।
संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री एवं नेपाल सरकारक प्रवक्ता रेखा शर्मा मंत्री परिषदक विस्तार राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद हेबाक बतौलन। मंगल दिन मंत्रिपरिषद कयने निर्णय सुनाब मंत्रालय में आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम में ओ मंत्रिपरिषद के विस्तार राष्ट्रपति के चुनाव के बाद हेबाक बतौलन। नया गठबंधन बनल आ के सरकार में जायत अ विषय में सेहो परामर्श कला से ओके उपाय लगला बाद मात्र मंत्रिपरिषद के विस्तार हेबाक हुनक कहब छलन। तेना प्रधानमंत्री विश्वास के मत सेहो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद मात्र लेबाक समेत ओ जानकारी देलने। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ध्यान केन्द्रित कला से ऐसा पहले विश्वास के मत लेबाक कार्यक्रम नहीं रहल ओ स्पष्ट कलन। ओ निर्धारित समय भीतर विश्वास के मत लेबाक समेत धारणा रखलन। ओ देश में बदलल राजनीतिक परिस्थिति के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार परिषद के 52 सभा में भाग लेब तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर बिमला राय पौड्याल जाय नहीं सकल बतौलन। ये कार्यक्रम के प्रयोजन के लेल मात्र प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नेपाल के प्रतिनिधित्व करते पूर्व कानून मंत्री गोविंद प्रसाद शर्मा कोइराला पठाओल गेल हुनक कहब छलन। व्यवसायी दुर्गा प्रसाई राज संस्था पुनर्स्थापना करबाक कहित आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कयलनि। राष्ट्र राष्ट्रीयता धर्म संस्कृति आ नागरिक बचाओ महाअभियान नाम में मंगल दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कओ या फागुन 20 गते से राज संस्था पुनर्स्थापना करबाक लेल कहित आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कयलनि। नया बानेश्वर स्थित संघीय भवन के दक्षिण गेट आगा प्रेस प्रेम आचार्य आत्मदाह के स्थान में आंदोलन के कार्यक्रम शुरू करबाक जानकारी दैत प्रसाई अमे सहभागी होब सब केओ के आह्वान कने छलन। एहि क्रम में वो आंदोलन में अपना सब 2047 साल के संविधान लागू कैल जेबाक चाही, हिंदू राष्ट्र कायम कैल जेबाक चाही, कर्मचारी आ निचका तह के सुरक्षाकर्मी सबक मासिक तलब के अंतिम में 150,000 पहुँचाल जेबाक चाही लगायत के 15 बुदा माग प्रस्तुत करबाक सेहो बतौलने। यी माग हाम्रा जायज छन्। यी मागमा हामीलाई सहमति जचाउन 20 गतेदेखि उता राजा जतिखेर पनि आउनुहुन्छ। यिनीहरूले पूर्व राजा भन्नु नि के फरक परेर अब यिनीहरू मन्दिर भत्काएर मन्दिरमा मुत्ने मान्छेका के कुरा गर्नु? गुरुलाई लगेर रुखमा झुन्याएर पाता फर्काएर गुरु आमा बुवा भनेको कस्तो कुरो हो? गुरुलाई काटेर झुन्याएर अनि जनयु त मनाउने मान्छेहरूको के कुरा गर्नु? त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् हामीले 16 गर्दाखेरि नि दाइ मैले बुवा मरेपछि थाहा पाएँ। व्यवसायी प्रसाई अपना सभा की माग सब संबोधन नहीं होब धर आंदोलन जारी रखबाक चेतावनी दिलन। मध्य प्रदेश के गृह तथा संचार मंत्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह नीचा से ऊपर धर के निकाय गंभीर हैत तहन मात्र विपद जोखिम न्यूनीकरण कैल जा सकबाक बतौलन। जनकपुरधाम में मंगल दिन विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनक लेल संघ प्रदेश आ स्थानीय तह बीच के सहकार्य आ समन्वय संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम में मंत्री सिंह एहन धारणा रखलने। वो तीनों तहबीच समन्वय नहीं भेला से समेत विपद के जोखिम न्यूनीकरण में अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल कर नहीं सकल जा रहा धारणा के घटना जो विपद जोखिम प्राकृतिक को हम के हेरे तर वास्तव में यह जो निकाय जो काम कर्तव्य सब भाग हमी देखि नहीं सुरू ईमानदारी कि वास्तव में यह देश में हर एक कुरा में हमी नेपाली एटा विश्व को लगी नहीं एटा गौरवान्वित नागरिक हूं। नेपाल जहाँ पर सीर ठारो करें पूरा करें इस कारण हमी तब वास्तव में ईमानदारी भो तलदि मथिसम कार्यक्रम में जनकपुरधाम के मेयर मनोज कुमार साहब विपद के जोखिम न्यूनीकरण के लिए पूर्व तैयारी आवश्यक रहल बतौलन। यद्यपि पूर्व तैयारी के लिए अपना सब करय वाला काम में समय समय में अवरोध होबाक काज भ रहल हुनक कहब छलन। सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया निक नहीं भेला से अपना सब दमकल कीन अखाड़ से लगकर एखन धरि प्रयास कला पर समेत सफल होब नहीं सकल हुनक कहब छलन। 15 दिन चलाएर त्यसै संख्याबाट तपाईँको जाली र बोल्डरहरू लिएर त्यो बाढी आउनुभन्दा साउन महिनामा तुमीले कम्प्लिट गराएर त्यो 17 नम्बर वार्डलाई जोगाएका छौ। यदि त्यो नजोगाएको भए 17 नम्बर वार्डको नेक्स्ट इयरको बाढीबाट तपाईँको कनरपट्टिको बाटो पनि टुटेर मोटरसाइकलबाट झरेर एकजनाको मृत्यु पनि भएको थियो। यो भन्नुको के छ भने यो पूर्व यो जोखिममा पूर्व तयारी सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट अवस्था रहेको छ।
र नेपालको खरिद प्रक्रिया तो दैवले जानुस् गर्नु यहाँबाट दैव शब्द हटेको छ विपदबाट दैवीपुरको तर यो खरिद प्रक्रिया आजकल त्यो दैवले जान्ने कानुन आइसकेको छ तीनवटा तपाईँहरू हात बानेर काम नगर्नु सामान नकिन्नुहोस् गर्नु नि अधिकार अख्तियारले पक्रिन्छ भोलि गएर अख्तियारले नै थुन्नु पर्छ अवस्था यो देशलाई या त अख्तियारले जिम्मा लगाइदिनुहोस् तपाईँहरूले देश किनभने तपाईँ खरिद अहिले भने बरुनेत्र जनको रूपमा नगरपालिका छैन जम्मा तिनवटा बरुनेत्र छ म सिटी साहबले भन्छु एउटा सशस्त्र प्रहरी गनमा छ एउटा एयरपोर्टमा छ मेरो दमकल 20 वर्ष भएको छ ठेक्न सकेको छैन दमकल किन्न मैले टेन्डर गरेको कार्यक्रममै सहभागी लोकन विपद जोखिम न्यूनीकरणके लेल संघ प्रदेश आ स्थानीय तहबीच अवप्रभाग सहकार्यका विषयमै चर्चा केने छलेन भुइँचालो आएको बेलामा सबैजना मान्छे घरबाट बाहिर निस्क रोडमा जाँदा रहेछन् क्या अनि रोडमा पनि मान्छे अट्दैन रोड पनि साँगुरो हुन्छ घर भत्किन सक्छ अनि त्यसपछि यो 12 बिघा जस्तो खुला चौरमा जाँदा रहेछ खुला ठाउँ क्या अब यहाँ पो 12 बिघा छ र खुला चौरमा गयो यस्ता धेरै पालिका धेरै ठाउँ छ त्यहाँ खुला क्षेत्र रहेछ काठमाडौँ मान्छे टुँडी खेल्न गयो होइन मान्छे निस्केर अब हेर्नु त भनेपछि के भने पालिकाले प्रदेश सरकारले यो सार्वजनिक ऐलानी प्रति जग्गाहरू खबरदार चाहिँ कसैलाई लिजमा दिन पाइँदैन के पनि गर्न पाइँदैन त्यसलाई चाहिँ खुला क्षेत्र कायम गर्नुपर्छ अहिलेसम्म यो नवीकरण गरेका छैन केही गरिएको छैन खन्दै खन्दैछ त्यहाँ छ खन्दैछ जोखिम बनाइरहेको छ त्यसो हामीले सोच्नु पऱ्यो एउटा कुरा त म कमलाको छर्की छ छर्कीबाट यस्ता चाहिँ पुरै उसले चाहिँ जति गिटी बाल्यो सबै चाहिँ खोला मात्रै अब बाली आयो भने त्यो पुरै बगेर तपाईँ युट्युब गाडीमा पर्छ यसपालि कार्यक्रममै गृह मन्त्रालयकै सहसचिव प्रदीप कुमार कोराला प्रदेश उद्योग सचिव विशाल घिमिरे धनुषाक प्रमुख जिल्लाधिकारी काशीराज दाहाल धनुषा जिल्ला समन्वय समितिक सभापति राजनन्द मण्डल लगायतक सबके सहभागिता छलनि धनुषाक हंसपुर बेलही एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजनाद्वारा हंसपुर नगरपालिकामा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाक नर्वे राजदूतावासके प्रतिनिधि लोकनि अवलोकन कयने छ साइट नेपालके पहलमे हंसपुर नगरपालिका बेलही स्थित विगत एक वर्ष परियोजनाद्वारा सञ्चालनमे रहल खानेपानी आयोजनाक नेपालके लेल नर्वेक राजदूतावासके प्रतिनिधि लोकनि युएनडिपीके प्रतिनिधि लोकनि एडिबीके प्रतिनिधि लोकनि सब अवलोकन कयने छलनि गाउँके चापाकलमे पानी आब छोड़लाके बाद साइट नेपालके अमित शाहके अग्रसरतामे बेलही एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना अन्तर्गत उ खानेपानी आयोजनाके विस्तार कयल जा रहल अछि एखन उ खानेपानी आयोजनासँ ओतऽ 260 घर धुरी लाभान्वित भऽ रहल अछि खानेपानी आयोजनाके अवलोकनके बाद नर्वे राजदूतावासँ आयल प्रतिनिधि यान एरिक स्वयं ई आयोजना देखि कऽ अत्यन्त प्रभावित भेल बतौलनि ओ ई परियोजनाके दीर्घकालीन बनाबैके लेल अपना सब सहयोग करय तत्पर रहल प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि तहिना यूएनडीपीके विजय सिंह अपना सबके समेत ई परियोजनामे भूमिका रहल आ एहिसँ ओतऽके ग्रामीण लाभान्वित भेल देखि कऽ खुशी लागल प्रतिक्रिया देलनि एहि मॉडलके परियोजना एतऽ सफल होयत तऽ एकरा आओर विकास आ विस्तार करयके लेल यूएनडीपी तैयार रहल हुनक कहब छलनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणके कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ जल विद्युतमे नेपाल सन् 2026 आत्मनिर्भर बनबाक बतौलनि मङ्गल दिन काठमाडौँमे भेल नेपालमे जल विद्युत क्षेत्रमे वित्तीय लगानी विषय कार्यक्रममे निर्देशक घिसिङ एहन धारणा रखलनि ओ पछिला समय जल विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ित गेलासँ सन् 2026 धरि सुक्खा समयमे समेत आत्मनिर्भर बनबाक अवस्था अयबाक बतौलनि ओ जल विद्युतमे आत्मनिर्भर भऽ कऽ सेहो ओही समयमे 2500 मेगावाट विद्युत बेसी हेबाक बतौलनि ओ सन् 2035 धरिमे नेपालमे 8000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुगबाक अनुमान प्राधिकरणके रहल धारणा रखने छलनि ओ नेपालके जल विद्युत उत्पादन क्षमता 2544 मेगावाट रहल कहित पछिला समय प्रत्येक वर्ष 800 मेगावाट विद्युत उत्पादन बढ़ित गेल धारणा रखलनि मेगावाटको आयो पिपिएको पाइपलाइनमा करिब 7000 मेगावाटको त पिपिए भइसकेको छ अब करिब यसमध्येमा करिब 1600-1700 मेगावाट त आइ नै सकेको छ भनेपछि 5000 मेगावाटको हाराहारीमा अझै पनि पिपिए भएर फाइनेन्सिङको लागि फाइनेन्सिङ भएर अगाडि बढेका र केही चाहिँ 2-3000 मेगावाट चाहिँ फाइनेन्सिङको लागि वेट गरेर बसेकाहरू पनि छन् यसको पनि फाइनेन्सिङ प्राइभेट सेक्टरबाट गर्नुपर्ने चाहिँ छ अहिले हामी आजसम्मको हाम्रो करिब 2544 मेगावाट जेनेरेसन क्यापासिटी भइसकेको छ यो मध्येमा हाम्रो सोलर करिब 17 मेगावाट छ त्यो होला
तहिना निर्देशक घिसिङ जल विद्युत उत्पादन के लिए 1.2 मिलियन डॉलर लगानी प्रतिबद्धता भ चुकल बतौलन। ओ एजीएम बैंक से 700 मिलियन, जायका 140 मिलियन, विश्व बैंक आईडीबी 2 मिलियन लगानी प्रतिबद्धता आयल धारणा रखने छलन। डलर जति को हम जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट लाई फुलफिल करने कमिटमेंट भई नहीं सको। एक्जिम बैंक करीब 700 मिलियन जी, जायका अलग 140 मिलियन काठमाडौं पोखरा को लगी त्यस्तै गरेर वर्ल्ड बैंक र एडीबीले पनि हिसाब गरे पनि 2 बिलियन प्लस में हाम्रो कमिटमेंट आइसकेको छ। दूधकोशीमा वर्ल्ड बैंक एडीबीले र करीब करीब 550 मिलियन र दूधकोशीमा गरे अपर अरुणमा वर्ल्ड बैंकले 550 मिलियन र उहाँहरूले काउंटर पार्ट फंड र उहाँको अरु पार्टी पनि खोजिरहेको हुनाले वो सरकार जल विद्युत में लगानी या बजट विनियोजन कर संभव नहीं भेल बतौलन। वो प्राधिकरण जल विद्युत उत्पादन के लिए लगानी सुनिश्चितता कोना करबाक विषय में काज कर रहा बतौलन। बेलायत यूके पठा देव कहकर ठगी के आरोप में प्रहरी दू गोटे के पकड़ लगे। पकड़ायल में काठमांडू कालीमाटी रहित आयल भारतीय नागरिक सुदीश कुमार शाह आ बनेपा नगर पालिका घर भक कालीमाटी रहित आयल सुनीता परियार रहल। उपत्यकाक अपराध अनुसंधान कार्यालय के सूचना अधिकृत प्रहरी उपरीक्षक सुमेंद्र सिंह राठौर जानकारी देने छथि। मोरंग के विराटनगर महानगरपालिका वार्ड नंबर 9 चूलाचूली मार्ग से स्रोत नहीं खुजल। 183,750 भारतीय रुपया सहित 3 गोटे के पकड़ाव कैल गए। पकड़ायल सब में जहदा गांव पालिका 7 के 26 वर्षक रमेश कुमार मंडल, 22 वर्षक धर्मेंद्र कुमार मंडल आ कटहरी गांव पालिका 3 के 30 वर्षक नबी हुसैन रहल बताओल गए। सरकारी निकाय सब के वेबसाइट के बीच एक रूपता कायम करे के कृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली के विकास कैल गए। मंगल दिन संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा मंत्रालय में एक औपचारिक कार्यक्रम के बीच सूचना प्रविधि विभाग द्वारा विकास कैल गए एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली के शुभारम्भ कलन। अ प्रणाली अंतर्गत सूचना तथा प्रसारण विभाग, हुलाक सेवा विभाग, सूचना प्रविधि विभाग आ मुद्रण विभाग नया वेबसाइट सब संचालन में आब लागल। शुभारंभ कार्यक्रम में मंत्री शर्मा सभी सरकारी निकाय के अपन अपन वेबसाइट सब हेबाक आ सर्वसाधारण के सूचना खोज से हो झंझट भेला से आब एक प्रणाली मार्फत सरकारी निकाय सब के सूचना सब पाव सकबाक अवस्था आयल बतौलन। हम होने लाभ इसमें हमें जो आर्थिक रूप में जो व्यय भैर को हमें सकने न्यूनीकरण का विषय में सचिवजी अलग व्यवस्थित रूप में राखी नहीं सकू। मलाई पनि के खुशी लाग्यो भने हामीले एउटा त हामीले सबै हाम्रा सरकारी वेबसाइटहरु हेर्दाखेरि विभिन्न थरी विभिन्न डिजाइन त्यहाँभित्र पस्दाखेरिमा कसको सूचना कुन कतातिर कुनमा छ के छ भनेर एउटा सर्वसाधारणले पनि खोज्नलाई धेरै अप्ठ्यारो हुने। सूचना प्रविधि मन्त्रालयको हेऱ्यो भने एकतिर खोज्नुपर्ने, अर्को मन्त्रालयको हेऱ्यो भने अर्कोतिर खोज्नुपर्ने जुन स्थिति। तहिना कर्मचारीक विवरण सङ्गठन संरचना लगायतका काज सब सेहो गर सकबाक बताओल गेल छ। तहिना सबै कर्मचारी सभी सरकारी निकाय सबक निगरानी का हैक होब सकबाक जोखिम कम कर तत्काल ई जानकारी कराब मॉनिटरिंग प्रणाली सेहो संचालन में अनने वो जानकारी दिलन। विनाशकारी भूकंप के चपेटा में पड़ल टर्की में सोम दिन फिर से 5.6 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल। देश के दक्षिणी भाग में गेल पिछला भूकंप से और भवन सब टूटल अधिकारी सब बतौलक। एखन धरि मानवीय क्षति के खबर प्राप्त नहीं भेल। सोम दिन के भूकंप केन्द्र बिंदु मालत्या प्रांत रहल छल। इस क्षेत्र के मेयर भूकंप के बाद किछ भवन सब गिरल पुष्टि कलन। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल अगला आर्थिक वर्षक बजट में खेलकूद क्षेत्र में बजट बढ़ेबा घोषणा कलन। मंगल दिन ललितपुर के चासल रंगशाला में उद्घाटन करते वो एहन धारणा रखलन। प्रधानमंत्री दहाल खेलकूद क्षेत्र के समाज के अनुशासित बनेबाक बतबैत मर्यादा आ संस्कृति स्थापित करबाक लेल सेहो खेलकूद क्षेत्र महत्वपूर्ण रहल धारणा रखलन। वो खेलकूद से राजनीतिक कूटनीतिक आ भाईचारा संबंध के विकास से बाक धारणा रखलन। काल से अब अलिकति खेल क्षेत्र में पनि केही गुणात्मक काम हुनु पर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु र यही प्रक्रिया को सुरुआतमै अहिले च्यासल रंगशाला को उद्घाटन करने अवसर जुट्यो मलाई खुशी लागेको छ। मलाई खुशी यस अर्थमा पनि लागेको छ किनकि मैले खेललाई राजनीति बाहेक
खेललाई र कलाकारितालाई मैले अलि बढी नै रुचि पनि राख्ने महत्त्व पनि च्यासल रङशाला उद्घाटन संघीय कलाकार आयनफा पदाधिकारी बीच खेल सेहो भेलै छ रङशालामे 10,000 दर्शकके क्षमता रहलै छ फागुन 23 गते आयोजना होबयवला 19वां संस्करणके NSJF पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2078 के लेल मंगल दिन नेपाल खेलकुद पत्रकार मंच NSJF विभिन्न चार विधाक मनोनयन सार्वजनिक कयलक अछि आयोजक NSJF मंगल दिन एकटा कार्यक्रमके आयोजनाक वर्षके उत्कृष्ट पुरुष महिला युवा खेलाड़ी तथा प्रशिक्षक विधायकक कुल 4 विधायकके मनोनयन सार्वजनिक कयलक अछि स्पोर्ट्स अवार्ड फागुन 23 गते काठमाडौँके कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमे आयोजना हैत सार्वजनिक कयल गेल मध्य वर्षक उत्कृष्ट पुरुष खेलाड़ीके सूचीमे क्रिकेटर द्वय कुशल भुर्तेल आ दीपेन्द्र सिंह एरी फुटबलर द्वय अंजन बिष्ट आ किरण चेमजोंग तथा बैडमिंटन के प्रिंस दहाल अटायल अछि तहिना महिला दिशके मनोनयनमे क्रिकेटर द्वय सीता राणा मगर आ कप्तान रुबीना छेत्री भलीबल के अरुणा शाही एथलेटिक्स के पुष्पा भंडारी आ बॉक्सिंग के पूनम रावर पड़ल अछि वर्षक युवा खिलाड़ी दिस फुटबल के मनीष डांगी आ प्रीति राय तथा बॉक्सिंग के छिरिंग वांग दि शेर्पा बैडमिंटन के रसिला महर्जन आ भलीबल के उषा भंडारी मनोनयन में अटायल अछि तहिना वर्षक प्रशिक्षक एवार्ड मनोनयन में फुटबल के पूर्व प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतायरी क्रिकेटर पूर्व प्रशिक्षक डेव वाटमोर पारा तेकांदो के कविराज नेगी बॉक्सिंग के दीपक महर्जन आ भलीबल के जगदीश भट्ट रहल अछि अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से सप्तरी के कंचन रूप में दुट्टा जीप ठकराएल 3 गोटे के मृत्यु चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान द्वारा जनावाज आंदोलन जारी मांग पूरा नहीं होबा धेर धरना जारी रहबाक चेतावनी प्रचंड नेतृत्वक सरकार के कोनो खतरा नहीं रहल कांग्रेसक नेता निधि के कथन नेपाल प्रेस यूनियन के मधेश प्रदेश पदाधिकारी के पदस्थापन अपना सब सरकार से बाहर नहीं जेबाक जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राउत के कथन आ व्यवसायी दुर्गा प्रसाई द्वारा राज संस्थापन और स्थापना करवा कहित आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा अपन न्यूज एखन के लेल एतबे पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब नमस्कार।